कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता को निर्देश दिए और निष्क्रिय पदाधिकारी को संगठन से बाहर करने के लिए जिलाध्यक्ष को दिया आदेश। बरेली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव यूपी प्रभारी पूर्व विधायक श्री धीरज गुर्जर जी अपने आमला लोकसभा प्रभारी श्री डॉक्टर नागेंद्र सिंह शेखावत तथा बरेली लोकसभा प्रभारी श्री दीपक दुबे तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं बरेली प्रभारी श्री ओमकार सिंह तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी श्री धर्मेंद्र गुप्ता ने आज उपजा प्रेस क्लब में जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं से एक एक करके और ग्रुपों में अलग अलग मुलाकात की और संगठन के हालचाल जाने। इस पूर्व प्रेस क्लब में आयोजित कार्यकर्ता सभी को संबोधित करते हुए धीरज गुर्जर जी ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश में राजनीतिक संक्रमण व्यापक है, सांप्रदायिकता फैली जा रही है, मानवता से अमानवीय फैलाई जा रही है। हालांकि रामदेव पांडे ने अपने को इस पद से मुक्त करने का आग्रह भी सार्वजनिक रूप से लिया। इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने का काम किया। हम लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि हमने इस देश को बनाने का काम किया। हम लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ते हुए नहीं देख सकते। हम लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि हम इंदिरा गांधी के सिपाही हैं जिसने पाकिस्तान ने हमको हाथ दिखाई तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। आज हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर कितना राष्ट्रवाद है। जो कांग्रेस के साथ है उसके दिल में फूट फूट कर हिंदुस्तान की भावना भरी हुई है, राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर 10 लोग भी रह जाएंगे मैं उन 10 लोगों को लेकर सड़क के ऊपर उतर जाऊंगा। तो सपा बसपा और भाजपा के चुंगल से मुक्त कराकर यहाँ पर कांग्रेस का शासन लेकर आए ताकि यहाँ पर आम आदमी की सुनवाई हो सके, गरीब का विकास हो सके। ज्यादा लंबी छोटी बात करने का वक्त नहीं है। पिछले दिनों लोकसभा के परिणाम आए वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आ पाए, तो संगठन में क्या कमियां रही, प्रत्याशी चयन के अंदर क्या कमियां रही, हमारे आपस के अंदर संगठन की किन गतिविधियों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें कांग्रेस का पुनर्गठन करना है, इन सब बिंदुओं के ऊपर मैंने अपना जो दौरा है वो निर्धारित किया है। रामपुर से शुरुआत करी है और संभल तक पूरे 7 दिन मैं इस बरेली मुरादाबाद संभाग के अंदर घूमूंगा, कार्यकर्ताओं तक जाऊंगा और जो आम कार्यकर्ता पार्टी का है उसकी भावना को सुन के ऊपर जो हमारे नेता हम लोग बैठेंगे किस तरह से निर्णय हो सके इन चीज़ों को निर्धारित करने के लिए आज बरेली आया हूँ। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।